आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो बहुत ही इन्फॉर्मेशन टॉपिक है। ज़्यादातर इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो गार्डनर है वो इसका सामना कर रहे होते हैं, या तो बिगनर होते हैं, उसको इस तरह का नॉलेज नहीं होता है, तो कभी कभी प्लांट है वो हमारे मर जाते हैं। तो आप जो ये दोस्तों देख रहे हो, ये चंपा का प्लांट है, इसे पुमेरिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और आप देख रहे हो कि इस प्लांट में मुझे कुछ डिसीज है वो देखने को मिले हैं, जिस तरह का एक प्रकार की इसमें से झुरिया तरह का और सिकुड़न इसकी ब्रांच गई है, देखिए आप। तो इस तरह के अभी ये शुरुआती दिनों है दोस्तों, अभी मैंने कुछ समय पहले ही ये देखा है, आप देख रहे हो दोस्तों कि इसको आप प्रेस करोगे तो भी एक गेब फील आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह की सिकुड़न तरह की इसकी जो स्किन है वो हो गई है और झुरिया इसमें दिख रही है दोस्तों। ये शुरुआती दिनों में यदि पता चल जाए तो इस प्लांट को बचाया जा सकता है। और ये प्रॉब्लम खास करके प्लूमेरिया, ये चंपा का प्लांट है, उसमें कब आती है, और जो टेरेस पर जिन्होंने ग्रो किया है या तो किसी गार्डन लवर ने दोस्तों इसमें गमले में ग्रो किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखने के बावजूद भी इस तरह के प्रॉब्लम आ जा सकते हैं दोस्तों। कुछ टाइम ऐसा भी होता है दोस्तों के पत्तियों की रंगत से आप जान सकते हैं कि पौधे में इसकी सेहत है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो कभी कभी दोस्तों पत्तियों से भी पता नहीं चलता है। तो असल में दोस्तों ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो चंपा के प्लांट में इसमें दो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिले हैं। एक तो दोस्तों इसके रूट बाउंड है वो हो चुके हैं, बड़े गमला लिया था दोस्तों, इसमें वेल्डन वॉल भी किया था, उसके बावजूद भी दोस्तों ये प्लांट है वो दोस्तों अच्छा खासा बड़ा भी हो चुका है और अच्छे खासे रूट भी इसमें फैल चुके हैं। तो पूरा गमला है वो दोस्तों रूट बाउंड हो चुका है, इसमें अब शायद स्पेस बचा ही नहीं है। तो इसको हम रिपोर्टिंग भी कर देंगे और आगे देखेंगे दोस्तों कि अब इसका क्या हमें डिसीजन लेना है। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, इस तरह के जो डिसीज है वो कब लगते हैं, खास करके दोस्तों बारिश के सीजन में इस तरह के डिसीज लगते हैं। ये प्लांट है वो दोस्तों ज़्यादा नमी की वजह से दोस्तों, या तो बारिश का पानी गिरने की वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आई है और अब हम इसको गमले से निकाल रहे हैं दोस्तों। तो इसके दोस्तों ओवर वाटरिंग भी इसे पसंद नहीं है। अभी तो समझ लीजिए कि बारिश का सीज़न चल रहा है दोस्तों, मैं तो दोस्तों इसमें इतना वाटरिंग भी नहीं करता हूँ, इसकी ऊपर की लेयर है वो दोस्तों ड्राई हो जाए उसके बाद ही वाटरिंग करना चाहिए, इसको ज़्यादा वाटरिंग पसंद भी नहीं है। और अच्छे खासी धूप ये प्लांट है वो बर्दाश्त कर लेगा, 5-6 घंटे की धूप हो तो भी दोस्तों ये प्लांट है वो बर्दाश्त कर सकता है। और इसका दोस्तों ग्रोइंग पीरियड है वो भी स्प्रिंग सीजन है, तो दोस्तों ये गर्मियों के सीजन में अच्छा खासा फैलता है, इसके फ्लावर भी उस टाइम बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमने ये गमले से दोस्तों निकाल लिए हैं और आप देख सकते हो दोस्तों कि इसमें कितने रूट है वो बाउंड हो चुके हैं, गमले में स्पेस ही नहीं बची थी दोस्तों, तो डिसीज है वो इसमें स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि पानी है वो स्टोरेज हो चुका है। मेन रीज़न तो ये है दोस्तों, इसमें वॉल अच्छे खासे ड्रेनेज वॉल के बावजूद भी दोस्तों पौधा है वो हमारा नहीं बच पाता यदि हम टाइम पर ये नहीं हमें पता चलता। तो दोस्तों ये रीज़न बहुत ही बड़ा है कि इसमें वाटर है वो वॉल्ट नहीं होना चाहिए। आप बड़े गमला लोगे दोस्तों तो भी इसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि कुछ टाइम के बाद इस प्लांट की जो स्प्रिंग सीजन के बाद दोस्तों, पिछला स्प्रिंग सीजन गया उसके बाद तो जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ तो ये लगातार दोस्तों बारिश का जो पानी है उसमें लगातार गिरा है, तो उसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि मैंने ये धूप ज़्यादा मिले इसलिए मैंने शेडी एरिया में नहीं रखा था, और ओपन एरिया में दोस्तों आपको पता है कि धूप के साथ बारिश भी इतनी इसमें गिरी है, तो ये दिक्कत की वजह से दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आई है। इसमें दोस्तों दूसरा भी मैंने कटिंग लगाया था, तो दोस्तों ये 2 साल के करीब शायद हुआ होगा लेकिन इसमें इतने रूट नहीं बने हैं, लेकिन पुराना प्लांट है उसमें गिरा है। तो डिसीजन फाइनली अभी मैंने ये लिया है दोस्तों कि अभी ये प्लांट है वो मुझे बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करना है, और मैंने ग्राउंड में ही इसे शिफ्ट कर दिया है। और जो ब्रांचेस में दिक्कत है दोस्तों, यदि 1-2 मंथ में ये ढंग से सही नहीं होती है
तो वो ख़राब हुई ब्रांच है वो मैं काट दूंगा और ये प्लांट है वो मेरा बच जाएगा दोस्तों। तो फाइनल डिसीजन मैंने ये लगा दिया है ग्राउंड में, और अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद मैं देखूंगा कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि ग्राउंड में होगा दोस्तों तो ये पानी है वो स्टोरेज नहीं रहेगा और अच्छी खासी धूप भी इसे मिलेगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको चंपा के प्लांट में क्या क्या डिशेज के क्या रास्ते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।